बड़ी खबर संभल से है, जहां पुलिस की 25,000 के इनामी बदमाश से मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोली से इनामी बदमाश गोली लगने के बाद हत्थे चढ़ा है। वहीं एक सिपाही भी बदमाशों की गोली से घायल हुआ है। यूपी के जनपद संभल के सदर इलाके में चेकिंग के दौरान बाइक सवारों से पुलिस की मुठभेड़ हुई, जहां पुलिस ने बाइक सवारों को रोका तो बदमाशों ने पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी है, वहीं उसका एक साथी फरार हो गया। दोनों से चली गोलीबाजी में पुलिस का भी एक जवान गोली लगने से घायल हुआ है। दोनों घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बदमाश का एक अन्य फरार साथी की पुलिस कॉम्बिंग कर रही है। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने बताया कि पुलिस के हत्थे चढ़े बदमाश सलमान पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार बदमाश से एक बाइक और एक असला सहित कारतूस बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि दो दिन पूर्व संभल सदर कोतवाली क्षेत्र में चाकू से गोदकर एक युवक की हत्या कर दी गई थी, जिसमें मुख्य आरोपी सलमान को आज मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। धड़े इनकाउंटर किया गया है, कौन से अपराधी हैं और क्या पाया गया सर? थाना संभल कोतवाली के अंतर्गत अभी परसों एक युवक की चाकू मारकर हत्या की गई थी। उसका जो मेन अपराधी था, जो मेन अक्यूज था सलमान, उसके ऊपर मेरी तरफ से 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। उसको आज यहाँ पर जब सूचना मिली तो उसको घेराबंदी की गई, उसको रोकने का प्रयास किया गया तो यहाँ से उतर के भागने लगा और पुलिस की टीम के ऊपर उसके द्वारा फायरिंग की गई, तो उसके जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है और उसको अस्पताल भेजा गया है। उसका एक साथी है जिसका नाम पुतला है, वो शायद इसका भाई है, वो अभी फरार है, उसकी कॉम्बिंग की जा रही है, उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है, जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। इस मामले में ये बताना चाहूँगा कि ये इस तरह की जो वारदात इनके द्वारा संभल कोतवाली में की गई थी, ये दिखाता है ये दुर्दांत अपराधी थे और ऐसे अपराधियों के खिलाफ संभल पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। यहाँ से एक चोरी की मोटरसाइकिल और एक असला और साथ में 4 जिंदा कारतूस इसके साथ में बरामद हुए हैं, एक खोखा बरामद हुआ है, इसमें आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।